तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डोमिनोज के डेटा ब्रीच के बारे में भारत में रिसेंटली बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है डोमिनोज का थर्टीन टेराबाइट्स जो डेटा है वो लीक हो गया है डेटा ब्रीच में और वो फ्रीली फ्लोट कर रहा है डार्क वेब पर अब इसमें आप क्या कर सकते हैं और ये बहुत मुझे सुनकर बहुत डर लगा मतलब उसमें डेटा लीक हुआ है तो उसमें आपने कितने पीजे खाए मैदे की रोटियां खाई है सॉस लगा के जो भी है तो जो भी पिज्जा आपने खाया है उसका पूरा ब्यौरा मिल जा रहा है आपका ईमेल आईडी आई कहाँ डिलीवर हुआ है कितने रुपए का पिज्जा ये सारी चीजें लीक हो गई हैं तो ये बहुत बड़ा इशू है साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से तो ये भूकंप आ जाने जैसा है तो सवाल ये उठता है कि भाई डेटा तो लीक हो गया अब है ना प्रॉपर लोकेशन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कितने का खाया क्या किया कहाँ डिलीवरी ये सब लीक हो गया है तो हम क्या करें अब सागर भाई हम कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें है ना ठीक है अब क्योंकि आपका एड्रेस अगर किसी को पता चल गया तो अब क्या करेंगे तो पुलिस की मदद लो या जो भी करो या जो भी अगर किराए पर रहते हो तो दूसरे जगह रहने लगो ऐसे जो भी तो अब क्या किया जाए अब ये किया जा सकता है कि सबसे पहले मेरी कही बातों को क्रॉस चेक करो कि आप वो कर रहे हो कि नहीं सबसे पहली बात क्या आप हर जगह सेम पासवर्ड यूज़ करते हैं आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आए दिन आपने देखा होगा अलग अलग वेबसाइट के डेटा वगैरह लीक होते रहते हैं और हर वेबसाइट और एप्लीकेशन की सिक्योरिटी फुल प्रूफ हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती राइट कौन सी जो वो है कौन से सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने कभी अपडेट किए नहीं ये क्यों होता है पता ये लोग बहुत लापरवाही बरतते हैं अपनी टेक्नोलॉजीज़ सर्वर इनके जो जो भी सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं उनके वर्जन ये अपडेट नहीं करते और जब ये अपडेट नहीं करते तो वो पुराने हो जाते हैं और फिर वो हैकर्स के जाल में आ जाते हैं या वो उसका शिकार हो जाते हैं सिस्टम्स को अपडेटेड अपडेटेड ना रखना एक बहुत बड़ी वजह है कि ये जो डेटा ब्रीच वगैरह होते हैं किसी भी कंपनी को या किसी भी इंसान को अगर वो कंप्यूटर चलाता है तो उसे अपडेटेड रखना चाहिए तो भाई अपडेटेड रखना है आपको अपना सिस्टम वगैरह सारी चीज़ अपडेटेड रखिए एप्लीकेशन जो इस्तेमाल करते हैं वो अपडेटेड रखिए अब आपको एक पासवर्ड हर जगह यूज़ नहीं करना आप अलग अलग पासवर्ड यूज़ करें अब अगर आपका डेटा लीक हो गया है जो इसमें आ गया है, जो भी है तो आपको सबसे पहले अपने सारे अकाउंट्स के पासवर्ड बदल लेने हैं और पासवर्ड ऐसा रखना है जो सिक्योर हो आई लव अंजलि अंजलि इज माई जान आई लव यू ये सारी चीज़ें तो आपको नहीं रखनी आप कोई ऐसा पासवर्ड मैंने आपको बताया एक परफेक्ट पासवर्ड कैसा होता है उसमें बड़े वाली है बी सी डी छोटी वाली है बी सी डी सिम्बल नंबर इन सब का पूरा कॉम्बिनेशन होता है स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह ये सब मिला के आप आठ डिजिट का दस डिजिट का जो भी है पासवर्ड अपना बना लो सेफ एंड सिक्योर पासवर्ड होता है अलग अलग पासवर्ड जनरेटर की मदद ले सकते हैं आप जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग पासवर्ड आपको जनरेट करके देगा ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है इसमें अगर आपका कभी डेटा लीक हो जाता ना ऐसे इसमें तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो वेबसाइट और सर्विस को आप तो मेंटेन कर नहीं रहे हो अब एक चीज आप कर सकते हो आप अपने नंबर को गूगल पर सर्च कर सकते हो और आप देख सकते हो आपका फोन नंबर कहीं गूगल पर किसी वेबसाइट पर कहीं अवेलेबल तो नहीं है कहीं सोशल मीडिया पर लीक तो नहीं है आपका ई मेल कहीं लीक तो नहीं है तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा जैसे गूगल पर अगर आप अपना ईमेल आईडी सर्च करेंगे नंबर सर्च करेंगे तो पब्लिकली जो भी डेटा अवेलेबल है उसमें आप देख सकते हो कि आपका पर्सनल नंबर कहीं अवेलेबल तो है नहीं अगर आ, किसी भी सोशल मीडिया पर आपका कोई भी पर्सनल डेटा लीक होता है जैसे कि ट्विटर फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया पर तो आप उसे रिपोर्ट करके हटवा सकते हैं डार्क वेब पर हटवाना तो आपकी बस की बात नहीं और वो हटेगा भी नहीं शायद या जो भी है बट जो नॉर्मल सर्फेस वेब पर आपका डेटा फ्लोट कर रहा है उसे आप हटवा सकते हैं एक वेबसाइट है हैव आई बीन पाउंड करके उसमें जो भी डेटा ब्रीचेज होते हैं या जो भी डेटा लीक होता है उसमें वहां उसका ब्यौरा आ जाता है कि कहीं किसी डेटा ब्रीच में किसी वेबसाइट पर कोई अकाउंट क्या आपका कॉम्प्रोमाइज हुआ है या कोई डेटा वगैरह लीक हुआ है अगर ऐसा हुआ है तो उसे जाके फिर आप फिक्स कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका जो ब्यौरा है वो कहाँ कहाँ है अब देखो भाई ये होता है अगर आप सिक्योरिटी ठीक ना रखो तो अब इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम ज्यादा कुछ अब कर नहीं सकते जो डेटा लीक हो गया वो हो गया अब ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता तो दोस्तों आपको पता है आजकल ऑर्डर्स वगैरह सामान खरीदारी यह सब कुछ ऑनलाइन ही होती है हम लोग सब ऑनलाइन ही चीजें खरीदते हैं तो मैं आज आपको एक तरीका बताने वाला हूं ऑनलाइन पैसे बचाने का मैं बात कर रहा हूं इंडिया की सबसे बड़ी कैशबैक एप्लीकेशन कैशकरो डॉट कॉम के बारे में जो रतन टाटा जी द्वारा फंडेड है दैट ट्रस्टेड है और सही है तो भाई इसमें होता क्या है ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको कैशबैक देती है मतलब इसमें करना यह है कि आप या तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन को या तो प्ले स्टोर पर जाकर कैश करो कुछ डाल लो आप और उस पर सागर ट्वेंटी फाइव कैपिटल में इसको आप डाल दो कोड पच्चीस रुपये का साइन अप बोनस मिल जाएगा बोलो सागर भाई ये अब क्या करना है उस उस एप्लीकेशन में जाके आप एजियो फ्लिपकार्ट एमेजॉन इन वेबसाइट्स पर जाकर आप शॉपिंग करो पे कर दो अपना जैसे भी आप शॉपिंग करते हो लेकिन फायदा यह होगा कि इस एप्लीकेशन में आपको कैशबैक वापस मिल जाएगा मतलब कुछ पैसा मिलेगा बच के और वो रियल कैशबैक है ऐसा नहीं फालतू का कुछ कूपन ऊपर रियल कैशबैक उसे या तो आप एमेजोन वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो या तो आप उसे डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हो मतलब पैसा कुछ लग नहीं रहा है बस पैसा बच ही रहा है ऑनलाइन शॉपिंग तो आप वैसे भी करते ही हो तो बहुत फायदे की चीज है आपको जरूर ट्राई करना चाहिए मैं इस्तेमाल करता हूं कैश करो और मुझे लगता है बहुत सही चीज़ है और कोई पैसा जा ही नहीं रहा बस अब पैसा बच ही रहा है तो एक बार जरूर ट्राई करो कैश करो एप्लीकेशन उसे आप नीचे डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से या प्ले स्टोर से डाल लो फ्यूचर के लिए थोड़ा सा तैयार रहा जा सकता है फ्यूचर के लिए तैयार आप कैसे रहोगे तो बस अगर भाई फ्यूचर के लिए हम तो डोमिनोज को जाके या किसी भी ऐप को जाके ये नहीं बोलेंगे ना कि आपका सिस्टम सिक्योर करो सिक्योर करो या सौ दो एक्स्ट्रा ले लो लेकिन सिस्टम अपडेट कर लो ये तो नहीं कर सकते ना हम ये तो पॉसिबल ही नहीं है हम क्या कर सकते हैं हम ऐसे डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ज्यादा पर्सनल ना हो सागर भाई डेटा पर्सनल ना हो मतलब हां क्या होता है कि आजकल एक चलन है मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं या उन लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं जो अलग अलग सिम या अलग अलग नंबर या अलग अलग अकाउंट रखते हैं अलग अलग लोगों से बात करने के लिए बैठे पूरा तो चैनल चल रहे हैं अलग अलग लोगों से चैटें हो रही है मैं उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं बट क्या होता है नॉर्मली हम लोग दो नंबर रखते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है दो ई मेल रखते हैं ये भी बहुत अच्छी चीज़ है आपको ऐसा कर लेना चाहिए दो सिम खरीद लो एक सिम को ऐसे रखो कि भाई आप जो ऑर्डर्स वगैरह हैं या कहीं पे भी किसी को देना है जो मतलब बैंक में ना हो जो नंबर है ना ऐसा एक नंबर रखो साइड का नंबर रखो और अगर घर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो सब लोग एक वैसा नंबर रख सकते हैं जो डिस्पोजेबल हो कोई ऐसी कंपनी का जो आपको ज़्यादा पसंद ना हो ताकि अगर वो लीक भी हो जाए तो आप उस सिम को हटा दो हटाकर अलग रख दो उस सिम को यूज मत करो राइट ऐसा ई मेल रखो जो आपके स्कूल में ना कॉलेज में ना दे रखा हो ऐसे ही हो जब कहीं भी फैला दो आपको दिक्कत ही नहीं है, मतलब उसको चेंज कर दो कुछ लोग रखते लग, हैं ऐसे <laughs> जानू का दिलवर एट द रेट ऑफ सेवन एट 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 द रेट ऑफ नाइन 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 एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम या जो भी होता है वो ऐसे ईमेल होते हैं जो ऐसे लोग बनाते हैं टाइम पास के लिए ऐसा टाइम पास ईमेल सबके पास होना चाहिए मैं आपको बता दू किसी और सर्विस बना लो याहू हुए बना लो रेडिफे बना लो हॉटमेल पे बना लो किसी भी बना लो उसको इस्तेमाल करो ऐसे ऐपें वगैरह में डालने के लिए अपना जो बैंक में दिया गया नंबर है जो आधार कार्ड पे लिंक्ड है उस नंबर को थोड़ा अलग रखा करो उसको थोड़ा पर्सनल रखा करो तो मेरी बात समझ गए आप तो अगर आपका डेटा इतना ज़्यादा है ही नहीं इंपॉर्टेंट तो वो अगर लीक भी हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होगी है ना क्योंकि अब ये चीज़ हुई है अब वो हैकरस वगैरह ये भी बोल रहे हैं कि भाई हम तो तुम्हारी डिटेल वगैरह और भी निकाल देंगे हम तो ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं ये हैकर वगैरह तो ये सब अटैक्स होते ही रहते हैं डेटा ब्रिचीज होते ही रहते हैं हमें हाँ, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है अब इन एप्लीकेशन और वेबसाइट्स के भरोसे रहना ही नहीं है अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ है और अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया आपने तो भाई वो भी लगा लो वो भी बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी बातें आपको बताई जो सभी बोल रहे हैं जितने भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये सारी बात वो ऑलरेडी बता चुके हैं बता रहे हैं क्योंकि यही कर सकते हो आप तो मैंने भी बता दिया आपको तो इन चीजों का ध्यान रखो और सच बताओ मैं बहुत डर गया भाई मतलब ये क्या है मैंने भी अपना पर्सनल नंबर ऐसे देखा कि भाई कहीं लीक वीक तो नहीं हो गया तो सही है भाई क्या कर सकते हैं आप बताओ <laughs> समझ यार क्या कर सकते हैं भाई ऐसे ऐसे चीजें लीक हो जाएंगी कहां कौन सा पिज्जा मंगाया सोच कहा कौन सा पिज्जा मंगाया अब पता नहीं कौन सी जगह हमने कहा कौन सा पिज्जा मंगाया फिर बताओ कुछ चीज प्राइवेट नहीं रही <laughs> अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें तो यहां पर मैंने कोई भी चीज खुद से नहीं बताई है ये ऑलरेडी न्यूज में आ चुका है मैंने इसको रिपोर्ट किया है और मैंने आपको कुछ साइबर सिक्योरिटी टिप्स शेयर की हैं ये टिप्स का मकसद ये है कि आप अपने आप को सिक्योर कर पाएं और आगे अगर ऐसी कोई चीजें होती हैं तो आपकी प्राइवेसी और आपकी सिक्योरिटी एकदम इंटैक्ट रहे और आपका कोई बाल भी पाका नहीं कर पाए मैं हूं अभिषेक सागर आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी भी इंसान को कैसे प्रोटेक्ट करना है खुद को इस हैकर भरी दुनिया में कैसे प्रोटेक्ट करना है साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग क्या होती है ये क्या चीज है इनको अच्छे से समझने के लिए अगर आप समझना चाहते हैं सिर्फ टू नाइनटी में आप ये समझ सकते हैं हिंदी में बनाए गए कोर्सेज आप ले सकते हैं जो कि सिर्फ भारत के लिए हैं डिस्क्रिप्शन चेक करें जाएं देखें और सीखें मैं मिलता तो हूं आपसे अगली वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करें आइकन को प्रेस करें एंड गुड बाई